Hello friends, today we are going to solve exercise 1.3. Our question number 1 is write following in decimal form. आपको ये जो p by q form में जितने भी numbers दिए हुए हैं, इन सबको आपको decimal form में convert करना है. और आपको यहाँ पर बताना है उनका type. मतलब type, यदि हम p by q form को decimal form में convert करते हैं, तो दो type होते हैं, या तो terminating होता है, या तो फिर non-terminating recurring. तो आपको बताना है कि जो decimal form है वो terminating है या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग. डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना मैंने आपको पिछले वीडियोस में सिखाया है. जस्ट आपको क्या करना है, न्यूमेरेटर को आपको डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है. इसमें मैं सबसे पहले फर्स्ट एग्जांपल ले रहा हूं. आवर फर्स्ट एग्जांपल इज 36/100. आप देखेंगे जब भी डिनोमिनेटर 10 है, 100 है या 1000 है, तो आपको किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ करने की जरूरत नहीं है. केवल आपको डेसिमल पॉइंट सरकाना है, डिवाइड डायरेक्टली करने की जरूरत नहीं है, सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती. 10 है तो डेसिमल को आप पॉइंट को एक बार जंप कराएंगे, 100 है तो 2 टाइम्स जंप कराएंगे बैक से, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 0.36. और जब आप देखेंगे ये कौन सा टाइप है, दिस इज टर्मिनेटिंग टाइप और डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इज टर्मिनेटिंग. नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व अनदर एग्जांपल, दैट इज थर्ड एग्जांपल. Your third example is 4/1/8. This is mixed fraction. Firstly, we will convert it into simple fraction. आप जानते हैं, this 8 will be multiplied by 4. 8 into 4 plus 1 divided by 8. This becomes ये जो denominator होता है, इसका इधर multiply होता है. 8 into 4 plus ये ऊपर में number होता है, यहाँ plus में आता है, divide में अगेन यही number. So this becomes 8 for the 32, 32 plus 1, 33 divided by 8. Now we will divide 33 by 8. 33 divided by 8. 8 for the 32, remainder is 1. जब हम point देंगे, 0 मिलेगा, 8 बन जा, 8. 2, एक बार decimal दिया जाता है, तो हर बार एक 0 मिलता है. यदि next 0 लगाना है, तो हमें यहाँ 0 देना पड़ता है. पर अभी एक ही 0 लगाना है, तो दिस बिकम्स 20. 8 टू जा 60, अगेन रिमाइंडर इज 4. एक 0 फिर से मिलेगा, 40. 8 5 जा 40, तो रिमाइंडर बिकम्स 0. रिमाइंडर 0 बनता है, तो टाइम जो होता है वो आपका टर्मिनेटिंग होता है. तो आप यहां लिखेंगे 4/1/8, इसका डेसिमल कन्वर्शन है 4.125, एंड अगेन दिस इज टर्मिनेटिंग. आपको यहां बताना है टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है. नाउ आवर एग्जांपल नंबर 5 इज 2/11. एग्जांपल नंबर 5 इज 2/11. डिवाइड 2 बाय 11. फर्स्टली जैसे ही आप देख रहे हैं 2 छोटा है, 11 बड़ा है, तो आप पहले ही डेसिमल देंगे, यहां एक 0 मिलेगा. 11 बन जा 11, रिमाइंडर इज 9. 9 का 90 बनेगा, 11 एट जा 88. 2 फिर 0 मिलेगा, देन 11 बन जा 11, फिर बचेगा 9. 9 का बनेगा 90, 11 एट जा 88, फिर बचेगा 2. आप देख रहे हैं साइकिल रिपीट हुई है, रिमाइंडर 2 बचेगा तो 20 बनेगा, उसके बाद फिर यही साइकिल रिपीट होगी. 1 8 1 8 1 8 कंटिन्यूअसली आने वाला है, तो आपको बार बार इन्हें ज्यादा बार करके दिखाने की जरूरत नहीं है. आप यहाँ डेफरेंस देख देंगे, जैसे ही आपको समझ में आता है कि वही नंबर रिपीट होने वाले हैं, तो आप डेफरेंस देंगे और आप यहाँ लिखेंगे डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर 2/11 इज 0.18188. और अगली स्टेप में जितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, 18 रिपीट हो रहा है, तो आप 18 के ऊपर बार लगाएंगे. और आप बताएंगे ये जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है, ये है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, जिसे शॉर्ट में हम सिर्फ रिकरिंग भी बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप. तो आप देखेंगे आप जितने भी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन करेंगे, वो रिप्रेजेंटेशन रैशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन हमेशा या तो टर्मिनेटिंग होता है
या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होता है। यहाँ पर हम वो 6 एग्जांपल दिए हुए हैं जिसमें से मैंने आपको एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 3 और एग्जांपल नंबर 5 सॉल्व करके दिया है। बाकी 3 आपके लिए होमवर्क रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, यू नो दैट 1/7, यहाँ हमें 1/7 का सीधे सीधे डेसिमल एक्सपेंशन दिया हुआ है 0.142857 का, मतलब ये भी डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, ये 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन है। हमें कहा गया है कि कैन यू प्रेडिक्ट, प्रेडिक्ट मतलब क्या आप बता सकते हैं, क्या आप गेस कर सकते हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7। यहाँ 1/7 का दिया है, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 का डेसिमल एक्सपेंशन आप गेस कर सकते हैं क्या विदाउट डूइंग एक्चुअल नॉन डिवीजन, मतलब बिना डिवीजन किए 1/7 की हेल्प से आप 2/7, 3/7, 4/7 का डेसिमल एक्सपेंशन बता सकते हैं क्या? यस, हम बता सकते हैं, बहुत इजी है। आप देखिए यहाँ पर 2/7 का मतलब होता है 2 × 1/7 मीन्स 2/7 होता है, और 2 × 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन है हमारे पास 0.142857। आप 2 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, बैक साइड से मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान देंगे आप यहाँ 142857 मल्टीप्लाई बाय 2, 27 जा 14 कैरी 1, 25 जा 10 10 एंड 1, 11 कैरी 1, 28 जा 16 16 एंड 1, 17 कैरी 1, 22 जा 4 4 एंड 1, 5 24 जा 8 21 जा 2। In this way, your answer is 0.285714 bar। इसी प्रकार से जब आप 3/7 निकालेंगे तो आप लिखेंगे 3 × 1/7, that is 3 × 0.142857 bar। इसी प्रकार से आपको 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 निकालने हैं। 2/7 मैंने निकाल के दिया है, बाकी सभी आपके लिए होमवर्क रहेंगे। और एग्जांपल नंबर 3 इज एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ p/q, मींस आपको यहां डेसिमल फॉर्म दिया है और आपको p/q फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये भी मैंने पिछले वीडियो में समझाया था, एग्जांपल कुछ अलग थे, यहां पर 3 एग्जांपल है जिनको हम सॉल्व करेंगे। Your example number 1 is 0.65। एक ही नंबर के बाद डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, मैंने आपको बताया था, एक के बाद रिपीट होता है तो 10 का मल्टीप्लाई, 2 के बाद होता है तो 100 एंड 3 के बाद होता है तो 1000। एक के बाद रिपीट हो रहा है, हम सबसे पहले इसे लेंगे x, x equals to let, मान लीजिए x equals to 0.65, तो आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10, तो आपका बनेगा 10 × x = 10x, और जब आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे डेसिमल एक के बाद जंप करेगा 6 पॉइंट, लेकिन यहाँ बहुत सारे 6 है, जब यहाँ डेसिमल जंप करेगा उसके बाद भी 6 है, तो ये बनेगा 6.6 bar। आप ध्यान देंगे ये जो नंबर है ये किस प्रकार से है, इसीलिए जब डेसिमल यहाँ जाता है तो उसके बाद भी 6 बचते हैं, इसलिए हम 6 के ऊपर बार देते हैं। अब आप क्या करेंगे, इसे देंगे इक्वेशन फर्स्ट, इसे देंगे इक्वेशन से, और इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को माइनस करेंगे, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन क्या होगा 10x माइनस x दैट इज 9x, और 6.6 बार में से 0.6 बार को आप माइनस कीजिए, 6.6 बार माइनस 0.6 बार, ये दोनों मींस 6 बार में से गया तो 0 एंड 6 माइनस 0 इज 6, तो आपका आंसर होगा 6। तो यहाँ 9x इक्वल टू 6, देयरफॉर ट्रांसफर करेंगे 9 को, मल्टीप्लाई वाला 9 डिवाइड में जाएगा, तो x कम्स आउट टू बी 6/9। जो भी कॉमन फैक्टर है आप कैंसिल करेंगे, दोनों 3 के टेबल में आते हैं, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, सो योर आंसर बिकम्स 2/3। देयरफॉर जब आप लिखेंगे यहाँ 0.6 बार इक्वल्स टू 2/3, आप वाइस वर्सा चेक कर सकते हैं, आप 2/3 p/2 फॉर्म को डिवाइड करके जब डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो यही आंसर आएगा, क्रॉस चेक कर सकते हैं।